आकाशी अधोलोक में रहते हैं और जो वैमानिक देव हैं ये ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। वैमानिक देव हैं एक्चुअल में ऊर्ध्वलोक में। तो मेरु पर्वत की हाइट 140 योजन की, इसका मतलब मध्य लोक की हाइट भी 140 योजन हो गई। मैंने आपको एक बात बतलाई थी, यदि मैं मेरु पर्वत की चर्चा करूंगा तो और उस बात को गहराई से देखेंगे। फिर भी मेरे से ऐसा पूछा गया कि भाई वो जो 8 प्रदेश आपने बतलाए थे उनका क्या है स्वरूप, वो थोड़ा और स्पष्ट कर दे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो आया ही स्पष्ट करने के लिए हूँ। तो मेरु पर्वत की रचना को हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए आप कि मेरु पर्वत के नीचे, जैसे ये पूरी त्रसनाड़ी बना देते हैं अपन, त्रसनाड़ी को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, अपने हाथ की बात है किसी भी चीज को छोटा बड़ा करना। तो अपन ने इसको त्रसनाड़ी को बड़ा कर दिया इतना बड़ा। जब भी कहीं आप ऐसा आकार देखें तो आप कह सकते हैं ये क्या है, त्रसनाड़ी है। पीछे भी फैली हुई है 1 राजू तक। हाइट इसकी कुछ कम 13 राजू है, जिसमें हम चर्चा कर चुके थे कुछ कम का प्रमाण क्या है, किस किस वजह से ये कम हो गई है। 14 राजू से 13 राजू क्यों रह गई, और 13 राजू से भी घट करके कुछ कम 13 राजू क्यों हो गई है। जहाँ जहाँ त्रस जीव नहीं है उस एरिया को इसमें से कम कर दिया गया, वो ऊपर भी एरिया कट गया और नीचे भी कट गया है। इस त्रस नाड़ी के बीच में सुमेरु नाम का पर्वत है, बिल्कुल सेंटर में त्रस नाड़ी है 1 राजू बाई 1 राजू की, कुछ चौकोर बना लीजिए इस तरह से, और वहां सेंटर में आएगा। अभी अपन यहां देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं अपन, समझ रहे ना आप। तो ये जो सुमेरु पर्वत है यहां बिल्कुल ऊपर से शिखर से, यहां से तो चालू हुआ स्वर्ग। बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब सुमेरु पर्वत से जस्ट टच होकर के स्वर्ग है, एक बाल के अंतर से, एक बाल का अंतर तो कुछ भी नहीं होता। तो यदि एक बाल के अंतर से स्वर्ग शुरू हो गया है तो फिर बाल तीर्थंकर को जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं तो फिर क्या होता होगा, ऊपर वहीं पहुंच जाते हैं मेरु पर्वत के शिखर पे ले जाते हैं। नहीं भाई, ये चूलिका के ऊपर से स्वर्ग शुरू है और जहाँ बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है वो एरिया चूलिका के नीचे है। वो मेरु पर्वत की रचना देखते समय हम कल करेंगे उसकी चर्चा, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए, कुछ ऐसा भी प्रश्न आया मेरे पास में कि साहब आपने 7 नरकों के लिए तो 7 पृथ्वियां बता दी, 1 पृथ्वी सिद्धशिला के लिए बता दी, हम लोग कहाँ रहते हैं इसकी बात आपने कह दी कि नरक की प्रथम पृथ्वी के जो 3 हिस्से थे रत्नप्रभा के, खर पंख बहुल, उसमें खर भाग के अंदर 16 पृथ्वियां आती, उसमें चित्रा पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर हम रहते हैं, ये भी बात हो गई। लेकिन स्वर्ग में कौन सी पृथ्वियां हैं, देवगति के जीव क्या पृथ्वी पे नहीं रहते हैं, वहां क्या पृथ्वियां नहीं है? नहीं, देवगति के जीव पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, वहां उनकी कोई पृथ्वियां नहीं है, वे विमान में रहते हैं, इसलिए वैमानिक देव है। स्वर्ग के जो देव हैं वे वैमानिक देव हैं। देखो स्वर्ग और देवगति में अंतर है, स्वर्ग और देवगति में अंतर है दिलीप भाई, क्या अंतर है? तो स्वर्ग मतलब देवगति, देवगति मतलब स्वर्ग, ऐसा ही समझते हैं? नहीं, देवगति में 4 प्रकार के देव आते हैं और स्वर्ग में सिर्फ वैमानिक देव आते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये सब देव गति है, ये सब देव गति के तो हैं, लेकिन स्वर्ग के नहीं है। जब हम कहते हैं स्वर्ग में देव हुआ तो इसका अर्थ होगा वैमानिक देव हुआ, जब हम कहते हैं वो मर के स्वर्ग में चला गया तो वो भवनवासी व्यंतर हो गया, नहीं, वो स्वर्ग माने तो 16 ही है स्वर्ग, वो सब पवन के आधार से हैं विमान, हवा के आधार से हैं, मातवलियों के आधार से हैं, आकाश के आधार से हैं, विमान ही है वो नगर और कुछ नहीं, ऐसे कोई धरती नहीं है उनकी, विमान में ही रहते हैं। वो विमान इतने बड़े बड़े हैं, कोई संख्यात योजन वाले, कोई असंख्यात योजन वाले, ऐसे बड़े बड़े विमान हैं, असंख्यात योजनों के विमान हैं, कहने को तो वो विमान है। विमान तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये जो दिखते हैं ना देवलोक, वो वहाँ दिख रहा है, वो
वो विमान के अंदर एक देव दिख रहा है उस चित्र में, ऐसा लगता है ऐसे विमान बस इधर उधर घूमने वाले विमान होते होंगे, ऐसा नहीं है। वे स्वर्ग के विमान स्थिर विमान है, एक एक विमान एक एक नगर जैसा है, एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव रहते हैं, ये स्थिति है। स्वर्ग के विमानों की संख्या 84,97,023 है, इतने विमान हैं स्वर्ग में। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जितने विमान हैं प्रत्येक विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, हर विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, सब में 108 प्रतिमाएं हैं। कभी अवसर आएगा तो अपन उन सब की बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए आप कि ये जो स्वर्ग हैं, ये स्वर्ग विमान विमान है, और इनका जो बंटवारा है, जो इंद्रों की बात कही थी मैंने, वो इंद्रों का बंटवारा भी विमानों के बंटवारे के आधार पर है। जैसे सौधर्म स्वर्ग के जो इंद्र है वो 32,00,000 विमानों का स्वामी है, ईशान स्वर्ग वाला है वो 28,00,000 विमानों का स्वामी है, शांत कुमार इंद्र 12,00,000 विमानों का स्वामी है, या 8,00,000 विमानों का स्वामी है महेंद्र, सबका बंटवारा है अलग अलग। तो सौधर्म इंद्र 32,00,000 विमान, तो विमान से उसका क्राइटेरिया नक्की हो गया, ये कहां कहां तक के विमान ये सौधर्म इंद्र के, ये सौधर्म स्वर्ग है। सौधर्म इंद्र जिनका मालिक है जिन विमानों का, वो सौधर्म स्वर्ग है। ईशान इंद्र जिन विमानों का स्वामी है वो ईशान स्वर्ग है। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसा कोई दीवार नहीं है पहले और दूसरे स्वर्ग के बीच में भी, ऐसे दीवारें खड़ी हो जैसे अपने यहां बना दी है, इस तरह की दीवारें नहीं है कहीं भी, बंटवारा नहीं है इस तरह का, इधर हमने बना दिया ये सौधर्म स्वर्ग है, ये ईशान स्वर्ग है, ये सौधर्म है और ये ईशान है, उत्तर दिशा की तरफ ईशान है और दक्षिण दिशा की तरफ सौधर्म है, तो एक साइड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये अपने बीच में लाइन खींच दी है। ऐसी लाइन नहीं है वहां कुछ भी, विमानों के आधार पर ही बंटवारा है। तो ये जो स्वर्ग और नरक का जो बंटवारा हुआ मेरु पर्वत के आधार पर, बोलो भैया। अभी एक बोर्ड क्या बोलते हैं विमान है, हाँ। उसमें दो या बहुत सारे देव रहते हैं, हाँ। तो अभी दो देवों को डिस्प्यूट नहीं होता कि मुझे इधर जाना है इधर जाना है, तो जाते हैं ना सब जगह, विमान लेके नहीं जाते हैं, ये तो बात है। मैं यही कह रहा हूँ ये जो विमान है ये विमान स्थिर है, उनको इधर उधर जाना होता है तो झगड़ेंगे थोड़ी ना, वो कहेगा मैं ले जाऊंगा, वो कहेगा मैं ले जाऊंगा, ऐसे झगड़े का काम नहीं है वहां। वो उनका महल है, नगर है भाई, और उसमें महल बने हुए हैं, विमानों में महल बने हुए हैं, ऐसा है। एक एक विमान पूरी पूरी नगरी है, नगर बसा हुआ है उसमें, पूरे रास्ते हैं, मार्ग हैं, भवन बने हुए हैं, वहां उनके गर्भगृह अलग बने हुए हैं, निवास स्थान अलग हैं, भोग के स्थान अलग हैं, घूमने फिरने की जगह, एक एक नगरी के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, छोटे बड़े सब तरह के देव वहां अलग अलग तरह के रहते हैं। कौन से हाँ पहले दूसरे स्वर्ग में तो संभव है ऐसी चीज, लेकिन ऊपर के पटरों में नहीं जा सकते। हाँ उनका आपस में हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो आयु वगैरह भी है ना ये कॉमन ही है। सौधर्म ईशान योग सागरों को हमें दिखे, ऐसा सूत्र है, सौधर्म और ईशान की दो सागर से कुछ अधिक तक की आयु है। शांत कुमार महेंद्र यो सप्त, तो शांत कुमार और महेंद्र उनके 7 सागर तक की आयु है, ऐसा है। वो मायामयी बनाते हैं, वो माया से विक्रिया से अनेक प्रकार के विमान बना सकते हैं, उनको विमानों की क्या जरूरत है, ये तो हम लोगों की कल्पना है कि देव लोग विमान लेकर के घूमते हैं, उन्हें विमानों की क्या जरूरत है, विमानों की जरूरत तो उनको पड़े। अच्छा बतलाओ मेरे को यहाँ से पलक झपकते ही अभी यदि मैं अमेरिका पहुंच जाऊं तो फ्लाइट पकड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब प्रैक्टिकली सोचो जरा उस चीज को, पलक झपकते ही उनको लगा कि देवलाली आ जाए तो सेकंडों के अंदर यदि वो वहां से यहाँ आ सकते हैं, अब कौन नहीं विमान में बैठ के चलेंगे, विमान में बैठ के चलने की जरूरत क्या है उसको, थोड़ा सा वैसे ही ठीक है, वैसे ही तो बना दो, माया में कोई दिक्कत नहीं है, माया से बना सकते हैं, कल्पना से बना सकते हैं, उनके पास तो रिद्धियां भी है, सामर्थ्य भी है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैसे भी चले जाते, पर झपकते पहुंच जाते हैं वहां,
और अरे जाने की क्या जरूरत है, भगवान के समोह शरण में तो बैठे ही रहते हैं, वहां भी रहते हैं और वहां भी रहते हैं, इतने रूप बना लेते हैं, जाने आने का कहाँ चक्कर है, विक्रिया से अनेक प्रकार के रूप बना लिए जाते हैं। बोलिए नहीं, ऐसा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हर विमान इंडिविजुअल अलग अलग है, फिर आपको 84,97,023 पृथ्वियां माननी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम आएगी। मतलब हमने विमान का नाम दिया है, हमारे दिमाग में विमान बोले तो चलता नहीं, हमने नाम नहीं दिया है, ये नाम आगम में है और जो है उसे बतलाया गया है। अपन उसको पृथ्वी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि पृथ्वियों की संख्या 8 ही बतलाई गई है पूरे दिव्य रूप में, इसलिए हम नहीं कह सकते उस चीज को। विद्याधर देव नहीं होते, कल करेंगे उसकी चर्चा, है ना। विद्याधर मनुष्य गति के जीव हैं, विजयाल पर्वतों की श्रेणियों में रहते हैं, कहाँ है क्या स्थिति है उसकी चर्चा कल आएगी। चले अपन मेरु पर्वत के नीचे। मेरे से ऐसा पूछा कि आपने जो 8 प्रदेश जो बतलाए ना, वो 8 प्रदेशों की क्या पोजीशन है, मैं वापस बतलाता हूँ एक बार समझने की दृष्टि से, और मेरे समझाने से समझ में नहीं आएगा। आप 100 चीजें, 100 × 100 10,000 चीजें हो जाएगी, नहीं 10 × 10 100 और 100 × 10 1,000 चीजें लेनी पड़ेगी आपको, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, क्या करेंगे फिर, तो और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। मैंने आपको प्रैक्टिकली बच्चों की जो ब्लॉक होते हैं ना, सेंटर बताने के लिए सुबह वैसे मैंने बहुत अच्छा समझा दिया था, लेकिन फिर भी देखो आप कोशिश करना, वापस बनाता हूं। फिर 6 का बनाओ, 6 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्या इनका सेंटर निकालो, इनका सेंटर क्या होगा, इनके सेंटर ब्लॉक बताओ कौन से हैं, बीच कौन से होंगे, 4, 2, 3, 4 ये हिस्सा इस पूरे का सेंटर होगा, मतलब जहां भी इवन फिगर्स होंगे वहां उसका सेंटर निकालने के लिए दो चीज आएगी। तो एक लाइन के अंदर यदि 6 हैं तो सेंटर ये 2 होंगे, एक लाइन में यदि 10 हैं तो सेंटर 5 और 6 नंबर वाला होगा, एक लाइन में यदि 100 हैं तो सेंटर 50 और 51 नंबर का होगा, ठीक है ना, सिंगल लाइन में। अब यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करो तो इधर भी कोई आ जाएंगे सेंटर, तो 2 सेंटर ये आएंगे तो 4 हो जाएंगे इसके सेंटर, पूरे का सेंटर 4 हो जाएगा। अब इसी के ऊपर ब्लॉक रखो, 6 लाइन और बना दो, तो बीच वाली लाइनों के जो 4-4 होंगे, बीच वाली 2 लाइनों के जो 4-4 वो सेंटर होंगे। तो लोक का जो सेंटर बनता है वो 8 प्रदेश सेंटर बनते हैं। और आप देखिए जब केवली समुद्घात की स्थिति बनती है, तो केवली समुद्घात की स्थिति बनने पर आत्मा के सेंटर के 8 प्रदेश, हमारे 8 प्रदेश आत्मा के, वो मेरु पर्वत के नीचे के 8 प्रदेशों के ऊपर आ जाते हैं। आत्मा में भी सेंटर में 8 प्रदेश हैं, रोचक प्रदेश कहलाते हैं वो, जो घूमते नहीं है ऐसा कहते हैं ना अपन, जो स्थिर रहते हैं, फिक्स हैं आत्मा के सेंटर में 8 प्रदेश, पूरा आत्मा उन 8 प्रदेशों को केंद्र बना करके पूरा बॉडी के अंदर राउंड लगाता रहता है। वो 8 प्रदेश जब केवली समुद्घात की स्थिति होगी, समझ लो लोक पूरण समुद्घात के समय जब पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैलेंगे, तो आत्मा का सेंटर और लोक का सेंटर वो उसके ऊपर होगा। आत्मा के 8 प्रदेश सेंटर वाले वो लोकाकाश के उन 8 प्रदेशों के ऊपर होंगे जो प्रदेश मेरु पर्वत के नीचे बतलाए जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात, कठिन तो नहीं है कुछ, इतनी समझ में आ गई हो तो बढ़ू आगे। स्वर्ग और नरक की बातें हम बहुत कर चुके थे, मध्य लोक की तरफ हमारे को आगे बढ़ना है। मध्य लोक की रचना किस प्रकार की है, अब कहां से देखे मध्य लोक कैसे दिखेगा, तो मध्य लोक को देखने के लिए हमारे को त्रस नाली के ऊपर से देखना पड़ेगा, तभी हमारे को मध्य लोक दिखाई देगा, अदरवाइज मध्य लोक नहीं दिख सकता, क्योंकि मध्य लोक की हाइट तो है नहीं, हाइट तो 1,40,000 गई थी मेरु पर्वत की वजह से, तो मध्य लोक तो ऐसा फैला हुआ है,
प्लेट है ऐसा मध्य लो, माने ऐसा समझ लीजिए ये जो तीन लोक जो है पूरा तरफ नाड़ी में रचना, नीचे हो गए नरक, यहां तो दिखा दिया हमने नरक, और ऊपर दिखा दिया हमने ऐसे स्वर्ग, सोलह स्वर्ग, नौ ग्रह, नौ अनुदेश, पांच अनुत्तर, सर्वा सिद्धि, सिद्ध शिला, ठीक है ना, और फिर ऊपर वातफला है, और यहाँ सिद्ध भगवान, नीचे ऊपर दिखा दिए। अब ये जो मध्य लोक वाला जो एरिया है, इसकी यदि रचनाएं अपने को देखनी है इस तरस नाड़ी में, तो इस मध्य लोक को यहां से बाहर निकालो। क्या कह रहा हूं मैं, इस मध्य लोक वाली प्लेट को बाहर निकालो, या फिर त्रस नाड़ी के सेंटर में ऊपर जाकर के देखो तो कैसा दिखेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। हमने त्रस नाड़ी के लिए एक एग्जांपल दिया था, कोई चीज बतलाई थी आप लोगों को, कौन बतलाएगा, ट्यूबलाइट का बॉक्स, ट्यूबलाइट का खाली बॉक्स। अब वो जो ट्यूबलाइट का खाली बॉक्स है वो सामने ऐसे रखा हुआ है, तो अभी हमारे को मध्य लोक तो ऐसा लाइन जैसा दिख रहा है, क्योंकि ऊपर ऊपर स्वर्ग, नीचे नीचे नरक। अब वो बीच का एरिया यदि हमारे को देखना है तो उस ट्यूबलाइट के बॉक्स में से ऊपर से देखना पड़ेगा, तो फिर नीचे हमारे को दिखेंगे, जो मध्य लोक दिखेगा वो बीच में दिखेगा ऊपर से देखने पर। या फिर क्या करें हम, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, जो हमारे पास में लोक में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे पास में क्या व्यवस्था है, हमारे पास में ये है कि इस त्रस नाड़ी में से अपन मध्य लोक को निकाल दो अलग, तो त्रस नाड़ी में से मध्य लोक को निकाल सकते हैं अपन, निकाल लो, ज्ञान में निकाल लो। अभी ये प्लेट यहां से निकाली हमने, ये प्लेट कैसी है, पीछे की है, ये एक राजू दिख रहा है यहां, एक कोने से दूसरे कोने तक एक राजू दिख रहा है, ये बैक में भी एक राजू है ना, एक राजू है कि सात राजू है, सात है, एक राजू, एक राजू, एक है, एक राजू, एक है या सात है, एक राजू, एक राजू, एक ही है, चंदर भाई के, एक है, एक है, ये सब एक कह रहे हैं आप लोग, सात कह रहे हैं, सात वाले हाथ खड़े, त्रस नाड़ी का एक ही है, है ना, लोक पीछे फैला हुआ था, मतलब लोक को यहां से लेकर के, ख्याल में आ रही है ना, यहां से लेकर के पीछे तक देखेंगे तो सात राज्य फैला हुआ है, लेकिन क्योंकि तीन राज्य पीछे जाकर, पीछे से तीन राज्य आगे आकर, क्या समझ में आ रही है बात, तीन राज्य पीछे और पीछे से तीन राज्य आगे, बीच में एक राज्य का एरिया, एक राज्य लंबाई चौड़ाई वाला, वो त्रस नाड़ी का एरिया है। इसका मतलब त्रस नाड़ी कुल मिलाकर के एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी है। देखो चलो इधर वापस इधर आ जाओ। अब इस एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी त्रस नाड़ी को हमने निकाला और निकाल करके ऐसे यहां बीच में रख दिया, तो एक बाई एक ऐसा हो सकता है, क्यों सर कर सकते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है कुछ, देख लो भाई अपन तो सर्वसम्मति से चलते हैं। एक बाई एक का मध्य लोक आ गया यहां। इस मध्य लोक की रचना किस प्रकार की है, मध्य लोक है कैसा, वैसे तो एक बाई एक का है लेकिन क्या क्या है इस मध्य लोक में। स्वर्ग तो मरे बिना नहीं देखा जा सकता, नर्क भी नहीं देखा जा सकता, थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करी फिर लगा हम जहां है वही अच्छे हैं। तो अब जो मध्य लोक है उस मध्य लोक की क्या स्थिति है, इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। मध्य लोक में क्या क्या है, असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। ये कैसे हैं असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, तो शास्त्रों में कहा है दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। किससे कौन दुगना विस्तार वाला है, तो पहले एक तो नक्की करो, सबसे पहला एक सेंटर में, सेंटर में एक द्वीप, इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, फिर दूसरा इसको घेरे हुए समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसा आकार बन जाएगा। माने यदि त्रस नाड़ी के ऊपर से यदि हम देखें तो हमारे को मध्य लोक जो दिखेगा वो इस प्रकार का दिखेगा,
बिल्कुल गोल गोल राउंड शेप में दिखाई देगा, जलेबी जैसा। जलेबी देखी आप लोगों ने? गुजराती डिश थोड़ी है जलेबी, जलेबी तो गुजराती है, जलेबी फावड़ा। तो जलेबी तो जानते हैं ना आप लोग सब, ये ऐसा दिखेगा देखो आप। ये त्रस नाड़ी में ऊपर से देखने पर ये लोक कैसा दिख रहा है, मध्य लोक गोल 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 दिख रहा है। ऊपर देखो आप, वहां त्रस नाड़ी के अंतिम वात वलय, अंतिम वात वलय स्पर्शी छोरों तक स्वयंभू रमण समुद्र, ऐसा ऊपर से पढ़ना है उसको। हाँ आधा आधा नहीं पढ़ना, त्रस नाड़ी के अंतिम वात वलय स्पर्शी। त्रस नाली के वात वलय है कि नहीं? त्रस नाली के वात वलय पता है आपको? वही वो जो थे कॉर्नर पर, ये जो कॉर्नर था कमर पर हाथ रखने पर, ये जो कॉर्नर आ रहा था उस कॉर्नर पे वात वलय है ना, तो उन त्रस नाली जहां टच है उस जगह पर, तो उस जगह पर वात वलय को स्पर्श करते हुए, अंतिम छोरों को स्पर्श करते हुए अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण सागर। स्वयंभू उधर लिखा है, रमण सागर यहां लिखा है, दोनों को मिलाना है ना, ऐसे तोड़ना नहीं है इसको। स्वयंभू रमण सागर, ये सब दुगने दुगने करते हुए हैं सब, आप कल्पना नहीं कर सकते दुगने दुगने करने का गणित क्या होता है। दुगने दुगने करने का गणित हम समझ नहीं सकते, ये ऐसा है दुगने दुगने करते हुए गणित, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। माने उससे पहले तक जितने डबल किए हैं विवेक भाई, जितने पहले तक डबल किए हैं उन सब का टोटल प्लस स्टार्टिंग वाला इतना मिला लो, उतना होता है अकेला लास्ट वाला। अभी नहीं समझ में आया, समझाया ही नहीं मैंने, समझ में कैसे आएगा। अभी समझ यहां करते हैं अपन डबल, एक इसका डबल, दो इसका डबल, चार। अब पता है इसका डबल कितना होगा? इन सबका टोटल प्लस वन, इनका सबका टोटल प्लस वन, इन सबका टोटल प्लस वन, इसका डबल करना है, इन सबका टोटल प्लस वन। समझ में आ रही है बात? इन सबका टोटल करो और प्लस वन करो, वो होगा इसका डबल। इन सबका टोटल कर लो, फिर उसका उसमें वन और जोड़ लो, सब डबल डबल करते जाओ, सबका टोटल करना और लास्ट। अब आपको समझ में आ रहा है, पहला यदि जम्बू द्वीप जिसका विस्तार 100,000 योजन का कहा है, लवण समुद्र 200,000 योजन विस्तार वाला है, उससे डबल है। जम्बू द्वीप है सबसे पहले नंबर पर, जम्बू द्वीप की चर्चा अपन करेंगे थोड़ा धैर्य रखें। जम्बू द्वीप पहला द्वीप है, जम्बू द्वीप की चर्चा तो बहुत विस्तार से करने वाले हैं हम। जम्बू द्वीप पहला द्वीप, उसको चारों तरफ से घेरे हुए दुगने विस्तार वाला लवण समुद्र, ठीक है ना, लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए डबल विस्तार वाला धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड द्वीप से डबल विस्तार वाला कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र से डबल विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप, उससे डबल विस्तार पुष्करवर समुद्र, उससे डबल विस्तार वारुणीवर द्वीप, उससे डबल विस्तार वारुणीवर समुद्र, उससे डबल विस्तार क्षीरवर द्वीप, उससे डबल विस्तार क्षीर समुद्र, समझ में आ रही है, उससे डबल विस्तार द्रतवर द्वीप, द्रतवर समुद्र, इक्ष्वर द्वीप, इक्ष्वर समुद्र, फिर नंदीश्वर द्वीप आठवां, और फिर नंदीश्वर समुद्र। समझ में आ रही कैसे डबल 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 विस्तार करते हुए, ये दुगना दुगना करते हुए जब हम स्वयंभू रमण समुद्र तक पहुंचते हैं, तो आप बतला सकते हैं स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार कितना होगा? नहीं बता सकते। अरे अभी तो बताया मैंने मैथमेटिक्स आपको,
स्वयंभू रमण समुद्र से पहले तक जितने असंख्या द्वीप समुद्र गए हैं सबका टोटल प्लस 1 लाख योजन, वन मतलब फर्स्ट कॉलम, 1 लाख योजन, इन सबका जितना टोटल होगा उतना अकेला स्वयंभू रमण समुद्र होगा। समझ आ रही है बात? स्वयंभू रमण समुद्र का मतलब क्या हुआ? किसकी नहीं, संख्या में नहीं आया, हमने तो अनंत का भी अंत बतलाया था आपको, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? 16 द्वीप और समुद्र स्टार्टिंग वालों के नाम शास्त्रों में मिलते हैं और अंतिम 16 द्वीप और अंतिम 16 समुद्रों के नाम भी शास्त्रों में मिलते हैं, बीच के असंख्या द्वीप समुद्रों के नाम उपलब्ध नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे बहुत से नाम तो रिपीट ही हैं, क्योंकि शब्द लिमिटेड होते हैं, शब्द संख्यात हैं और द्वीप समुद्र असंख्यात हैं। जब शब्द ही संख्यात हैं तो घूम फिर करके दोबारा वही शब्द आएगा ही ना। क्या हमारे यहाँ नवीन भाई 2 बैठे, एक लंदन वाले बैठे, एक अमेरिका वाले बैठे, हाँ तो अंत तो आता ही है ना, असंख्यात संख्यात दिगर तो है ही ना, असंख्यात मतियान और श्रुतियान का विषय नहीं है, बस अवधि ज्ञानियों के तो पकड़ में आ ही रहा है, अवधि ज्ञानी और मने परे ज्ञानी तो उस चीज को पकड़ पा रहे हैं ना। मैंने मुझे इतना बतलाना है कि वो स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और ये जो मैंने दुगना दुगना कहा है, अभी दुगने दुगने का गणित बतलाऊंगा अभी आपको। अभी अपने को ऐसे लग रहा है कि आधा एरिया माने 1/1 का था पूरा मध्य लोक, मध्य लोक 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा था, त्रस नाड़ी के हिसाब से यदि हम देखें तो 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा, उसमें आधा राजू तो लगभग हमें ऐसा लग रहा है स्वयंभू रमण समुद्र ले गया, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्रों का टोटल सबका सब एक तरफ और प्लस 1 लाख योजन और मिला दो इतना होगा अकेला उसका विस्तार, लेकिन ऐसा नहीं, आधा ही नहीं पौन से भी ज्यादा ले गया है वो एरिया 1 राजू में से। कैसे उसका आधा बतलाता हूं आपको। शास्त्रों में जब हमने जम्बूद्वीप वगैरह की, रमण समुद्र वगैरह की चर्चा पढ़ी तो हमें ऐसा पढ़ने को मिला तिलोई पंडित में कि जम्बूद्वीप से दुगना रमण समुद्र है, कोई नई बात नहीं थी, तत्वार सूत्र में पढ़ ली थी हमने, उसमें क्या है सब जानते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्षेत्रफल के संदर्भ में कि लवण समुद्र का विस्तार जो दुगना कहा गया है, उस लवण समुद्र जितने एरिया में जम्बूद्वीप 24 आ सकते हैं, 24 जम्बूद्वीप बराबर है, दुगना कह रहे हैं हम डबल कह रहे हैं, और उसमें क्या लिखा 24 आ सकते हैं, जवाब घूम गया हमारे यार, डबल के 24 लिखा है, ऐसे कैसे होगा, कैसे हो सकता है, जब डबल 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 कह रहे हैं तो डबल ही होगा ना, दुगना होगा तो 2 आएंगे, ये 24 गुना कैसे कह रहे हैं, हमने बुद्धि लगाई अपनी, डेढ़ अकल जैसे कहते हैं, अब वो डेढ़ अकल सही निकली तो 24 निकल गए। मैं बताता हूँ आपको कैसे होंगे, आपके समझ में आ रहा है? देखो पहले जम्बूद्वीप बनाओ, क्या ये जम्बूद्वीप बना लिया हमने यहां, ये जम्बूद्वीप ठीक गोलाकार है, गोल है, थाली के जैसा है। अब ये जो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है ठीक है, इससे दुगना है लवण समुद्र, दुगना माने 2 लाख योजन, और 2 लाख योजन वलय व्यास है उसका, माने ये 1 लाख है तो ये 2 लाख योजन है, समझ में आ रही है बात, इतना है यहां तक, ऐसा समझ लो आप, ये रावण भोज है,